नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म पे हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स को टाइम टू टाइम में कवर करेंगे और बहुत सारे कोर्सेज आप तक लेकर आएंगे। सो एक्सपर्टाइज एंड क्वालिटी नॉलेज को गेन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस वीडियो के माध्यम से अब हम अंडरस्टैंड करेंगे इनकम टैक्स सब्जेक्ट के अंदर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर को हमने समझा है, तो उसमें एक एक्सेप्शन था। उसमें से सेकेंड एक्सेप्शन हम रीड करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे जब प्रीवियस ईयर हमें क्या कंसिडर करना है इन केस ऑफ अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम सेकेंड पॉइंट यानी सेकेंड और बी और टू के फॉर्म में हम किसको अंडरस्टैंड करेंगे, हमें प्रीवियस ईयर देखना है किसके मैटर में, इन केस ऑफ अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम के केस में। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर को ऑलरेडी एक वीडियो के थ्रू कवर कर लिया है, आप प्लीज़ उसको जाके देखें और रिवाइज कर लें। इसका कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो आप इनकम टैक्स के कोई भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हम देखते हैं अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम के केस में हमें कैसे डील करना है। नॉर्मली क्या होता है कि जो इनकम अर्नड होती है, जो इनकम अर्नड होती है उस ईयर को मानते हैं हम प्रीवियस ईयर, और उस इनकम पे टैक्स कब लगता है, असेसमेंट ईयर में लगता है। ठीक है, कुछ केसेस लेकिन ऐसे होते हैं जिसमें इनकम डिस्क्लोज नहीं की होती है टैक्स पेयर द्वारा। ठीक है, और उसको डिटेक्ट करता है कौन, इनकम टैक्स का एक डिपार्टमेंट। ठीक है, और जब वो डिटेक्ट करता है इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट जो सोर्स है कि कैसे वो इनकम आई, ठीक है, किस तरीके से वो इनकम आई, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या एक्सप्लेन तो कर लेते हैं बट वो सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं। ठीक है, वन सेकेंड, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते या देते तो हैं बट सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर को। ठीक है, तो उसको क्या माना जाता है, उसको माना जाता है इट्स डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द ईयर इन विच इट इज डिडक्टेड, यानी जिस ईयर में उस इनकम को डिटेक्ट किया जाएगा। डिटेक्ट कौन करता है, इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर यानी एओ को। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, प्रीवियस ईयर की जो आपकी इनकम अर्नड होती है वो टैक्स होती है असेसमेंट ईयर में। कुछ आद ऐसी इनकम होती है जो एसएससी उसको डिस्क्लोज नहीं करते। ठीक, और जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के असेसिंग ऑफिसर उन्हें पकड़ते हैं, उनसे सोर्स ऑफ इनकम पूछते हैं, और सोर्स ऑफ इनकम पूछने के बाद या तो वो एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाते, और अगर कभी देते हैं तो वो सेटिस्फैक्टरी नहीं होता एओ के अकॉर्डिंग, तो उस इनकम को कब माना जाता है डिटेक्ट इनकम असेस्ड टू बी, कब उसको डिस्क्लोज करेंगे, इट इज डीम्ड टू बी द इनकम, किस ईयर की इनकम मानी जाएगी, जिस ईयर की इनकम, जिस ईयर में वो डिटेक्ट हो रही हो बाई असेसिंग ऑफिसर। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं, ऐसे हमारे 6 केसेस हैं, मैं ब्रीफली कर रही हूँ वो 6 कौन से केसेस हैं। पहला हमारा जो केस होगा वो होगा कैश क्रेडिट का, डोंट वरी हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, जो कि सेक्शन 68 में आता है। दूसरा हमारा होगा अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि सेक्शन 69 में आता है, और इन्वेस्टमेंट के अलावा जो अनएक्सप्लेन्ड मनी या कोई भी चीज़ आ जाती है, मनी या कुछ भी हो जाए, वो सेक्शन 69A में आएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद चौथा जो हमारा केस है वो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो या कोई भी चीज़ हो, ठीक है, फुल्ली डिस्क्लोज नहीं है, नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एस एस सी के बुक्स ऑफ अकाउंट में फुली डिस्क्लोज नहीं है, वो सेक्शन 69B में आता है आपका। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ है आपका अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, यानी आपने खर्चा दिखा दिया, अननेसेसरी खर्चा दिखाया हुआ है। ठीक है, तो अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर को हम सेक्शन 69C में डील करेंगे। फिर लास्ट और सिक्स पॉइंट क्या है, जो कि अमाउंट बोरो की गई है। ठीक है, अमाउंट जो बोरो की गई है या रीपे हुई है किस पे, हुंडी पे। ठीक है, रीपे एट हुंडी, ये किस पे आता है, सेक्शन 69A।
डी में. ये छह पॉइंट हैं जो कि अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है. इस इनकम पे वो एसएससी जो है सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं देता, या एक्सप्लेनेशन नहीं देता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एसेसिंग ऑफिसर जिस ईयर में उस इनकम को डिटेक्ट करता है उसको उस साल की इनकम मान ली जाती है. ठीक है, तो अब हम इंडिविजुअली हर एक केस को अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, पहला हम देखते हैं कैश क्रेडिट. ठीक है, पहले हम इनकम टैक्स के एक्ट को डिस्कस करेंगे क्योंकि हर एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो हम एक्ट भी आपको रीड करना सिखा रहे हैं तो एक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर मैं एक ब्रीफ में एक्सप्लेनेशन दे दूंगी. ठीक है, जहाँ पे एनी सम ऑफ मनी की बात हुई है, एनी सम, ठीक है, एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ एसएससी एंड एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड विच इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, एक्सप्लेनेशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री. ठीक है, इन द ओपिनियन के भाई एसएससी को तो लग रहा होगा कि उसने सही एक्सप्लेनेशन दिए, बट नॉट सेटिस्फैक्ट्री किसके व्यू पॉइंट में होनी चाहिए, नॉट सेटिस्फैक्ट्री इन द ओपिनियन ऑफ द एसेसिंग ऑफिसर. तो क्या होगा, जो अमाउंट, जो सम ऑफ मनी क्रेडिटेड होगी, ठीक है, वो क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी ऑफ एसएससी, उस पर्टिकुलर एसएससी की ऑफ दैट प्रीवियस ईयर. दैट प्रीवियस ईयर मीन्स जिस प्रीवियस ईयर में डिटेक्ट हुआ हो. ठीक है, तो कैश क्रेडिट क्या है, कोई भी अमाउंट, कोई भी सम अगर क्रेडिटेड हो रहा है, यानी एसएससी के अकाउंट में क्रेडिट यानी इनकम के फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है, और एसएससी इस पर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा या दे रहा है तो अनसेटिस्फैक्ट्री हो रहा है, वो इन द ओपिनियन ऑफ एसेसिंग ऑफिसर. एसेसिंग ऑफिसर कौन होते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स होते हैं जो कि एसेस करते हैं इनकम को, वैल्यू करते हैं, कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, तो जो अमाउंट क्रेडिट हुई है, जो भी सम क्रेडिट हुआ है, वो इनकम मान ली जाएगी किसकी, एसएससी की, किस साल में, जिस साल में इनकम डिटेक्ट हुई है उस प्रीवियस ईयर में. आई होप आपको कैश क्रेडिट क्लियर हो चुका हो सेक्शन 68. ओके, सेकंड पॉइंट में हम चलते हैं, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स सेक्शन 69, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर, ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग असेसमेंट ईयर, ठीक है, क्या होता है, एसएससी ने इन्वेस्टमेंट की हो, एसएससी ने क्या की हो, एसएससी ने क्या की हो, इन्वेस्टमेंट की हो, और जो कि रिकॉर्डेड नहीं हो, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड वर्ड यूज किया है इनकम टैक्स लॉ में, एंड, ठीक है, एसएससी ऑफर नो एक्सप्लेनेशन, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है एसएससी किसके बारे में, नेचर के बारे में एंड सोर्स के बारे में, किसका, इन्वेस्टमेंट का. ठीक है, ठीक है, नेचर के बारे में और सोर्स, एंड वर्ड यूज हुआ है, दोनों ये नहीं दे पा रहा है. ठीक है, एसएससी हैज मेड इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड एसएससी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, या वो एक्सप्लेनेशन दे रहा है जो कि सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, किसके ओपिनियन में, एओ के ओपिनियन में वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है. ठीक, तो फिर क्या होगा, जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, टैक्स हो जाएगी. ठीक है, और क्या मान ली जाएगी, डीम्ड इनकम, डीम्ड इनकम मान ली जाएगी एसएससी की और सच फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, मैं फिर से रिकॉल करवा रही हूँ, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स सेक्शन 69. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, जिस भी फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली द असेसमेंट ईयर में, ठीक है, अगर एसएससी ने कोई इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, और रिकॉर्ड नहीं की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में,
ठीक। एंड एसएससी ने कोई ऑफ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया नेचर एंड सोर्स के बारे में, या एक्सप्लेनेशन दे दिया नेचर एंड सोर्स के बारे में बट वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा असेसिंग ऑफिसर के व्यू पॉइंट में, उनके ओपिनियन में, तो क्या होगा, जो वैल्यू होगा इन्वेस्टमेंट का वो टैक्स कैसे कर लिया जाएगा, वो डीम्ड इनकम मान ली जाएगी किसकी, एसएससी की, इन द सेम सच फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारा अनएक्सप्लेन्ड मनी। ये वर्ड अलग से क्यों लिया गया, क्योंकि पहले पॉइंट में केवल इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई है, ठीक है, अब इसमें अनएक्सप्लेन मनी और बाकी जो भी चीज़ें होंगी वो इसमें कवर्ड हो जाएंगी सेक्शन 69A में। ठीक है, इन एनी फाइनेंशियल ईयर, अगर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एसएससी फाउंड होता है ओनर ऑफ दी कॉड, ओनर ऑफ दी क्या क्या बोलता है, एनी काइंड ऑफ मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स। ठीक है, किसी ईयर में वो ओनर दिख जाता है इन सब चीज़ों का। ठीक है, और इसको इन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया था, नॉट रिकॉर्डेड किसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट में, एक तो रिकॉर्ड नहीं किया, फिर उसके बाद क्या हुआ, प्लस एंड एसएससी ने जो है जो एक्सप्लेनेशन है किसके बारे में, नेचर के बारे में एंड सोर्स के बारे में नहीं दी, कि उसने कैसे एक्वायर किया वो मनी वो ज्वेलरी। ठीक है, उसने नेचर एंड सोर्स के बारे में नहीं दी कि उसने कैसे एक्वायर की ज्वेलरी, उसने किस तरीके से बुलियन एक्वायर किए। ठीक है, या उसने एक्सप्लेनेशन तो दिया बट वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा किसके ओपिनियन में, एसेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन में। ठीक है, तो वो जो मनी है, ठीक है, या वैल्यू है ज्वेलरी या बुलियन की, ठीक है, ज्वेलरी की या बुलियन की, ठीक है, उसको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा, क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा, किसका मान लिया जाएगा, एसएससी का। ठीक है, एसएससी का इन सच फाइनेंशियल ईयर, उसी सेम फाइनेंशियल ईयर में एसएससी की वो डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको, फिर से क्विक रिवीजन करा दे रही हूँ। अनएक्सप्लेन कोई मनी मिलती है जो कि सेक्शन 69A में कवर है, अगर एसएससी के दिखता है कि वो ओनर है, कोई मनी रखी हुई है, सपोज किसी ने तहखाने में मनी रखी हुई है, कोई ज्वेलरी इकट्ठी रखी हुई है और उसने कोई वैल्यूबल आर्टिकल्स लेके रखे हैं बट उसने रिकॉर्ड नहीं किया है बुक्स ऑफ अकाउंट में, एंड उसने कोई एक्सप्लेनेशन नेचर के बारे में और सोर्स के बारे में कि कैसे उसने परचेज किया, कहाँ से पैसे आए, किस तरीके से परचेज किया, उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दी, या दी तो बट वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही किसके ओपिनियन में, ओपिनियन ऑफ दी एसेसिंग ऑफिसर। ठीक है, तो वो जो मनी निकली या जो वैल्यू थी उस ज्वेलरी की वो डीम इनकम मान ली जाएगी, किसकी, एसएससी की मान ली जाएगी, कब, उस सच फाइनेंशियल, उस सेम फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं, जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, पूरी तरीके से डिस्क्लोज नहीं हुआ है। ठीक है, नॉट फुल्ली डिस्क्लोज्ड, ठीक है, किस में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये किस सेक्शन में आता है, सेक्शन 69B में। ठीक है, तो किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एसएससी ने कोई इन्वेस्टमेंट फाउंड की हो, ठीक, उसने एसएससी किसी इन्वेस्टमेंट फाउंड हुई हो, ठीक, या वो ओनर दिखा हो किसी बुलियन का, किसी ज्वेलरी का, या किसी वैल्यूएबल एसेट्स का, किसी भी और भी वैल्यूएबल आइटम्स का, ठीक है, आर्टिकल्स का, ठीक है, और एओ क्या फाउंड करता है, एसेसिंग ऑफिसर क्या फाइंड आउट करता है, कि जो अमाउंट उसने स्पेंड की है उस इन्वेस्टमेंट में या उस आर्टिकल को एक्वायर करने में वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जो उसने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा के रखी है। ठीक है, सपोज करो उसने बहुत ज़्यादा अमाउंट दिखा के रखी है, और ए वो क्या लगता है, अमाउंट स्पेंट ऑन मेकिंग इन्वेस्टमेंट और एक्वायरिंग सच आर्टिकल्स एक्सीड द अमाउंट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन बाय द एसएससी। ठीक है, उसको लगता है वो ज़्यादा अमाउंट है और एसएससी क्या करता है, एसएससी एक्सप्लेनेशन या तो नहीं देता, ठीक है, या जो देता है एक्सप्लेनेशन वो अनसेटिस्फैक्ट्री होती है एसेसिंग ऑफिसर के व्यू पॉइंट में, उसके ओपिनियन में, तो क्या होगा,
जो एक्सेस अमाउंट है, ठीक है, जो एक्सेस पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा केवल एक्सेस पोर्शन, जो एक्सेस पोर्शन है उसको क्या कर लिया जाता है, उसको भी डीम्ड इनकम मान लिया जाता है एसएससी का इन द सच फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्विक रिविजन करवा दे रही हूँ इस पॉइंट का। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट या कोई भी चीज़ जो है फुली डिस्क्लोज नहीं होती एसएससी के बुक्स ऑफ अकाउंट में, सेक्शन 69B। ठीक है, अगर कोई एसएससी ओनर दिखता है, ठीक है, किसी इन्वेस्टमेंट का, किसी बुलियन का, किसी ज्वेलरी का, किसी अदर वैल्यूएबल आर्टिकल का, ठीक है, और ए को लगता है कि अमाउंट जो है उसने कम दिखा के रखी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एक्चुअली में अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, यानी उसने जो डिफरेंस अमाउंट है वो नहीं दिखाई है, ठीक है, अब वो ए ओ जो है एसएससी से पूछता है कि भाई एक्सप्लेनेशन दो, तो एसएससी या तो एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, चुप हो जाता है, ये एक्सप्लेनेशन तो देता है बट वो अनसेटिस्फैक्टरी रहती है इन द ओपिनियन ऑफ ए ओ। ठीक है, तो जो एक्सेस वैल्यू, केवल एक्सेस वैल्यू की बात हो रही है, जो एक्सेस वैल्यू है वो डीम इनकम मान ली जाती है एसएससी की इन द सच फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, चलिए जल्दी से स्विच करते हैं फिफ्थ पॉइंट में बिना समय बर्बाद किए। नेक्स्ट है हमारा अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, एक खर्चे करते चले जा रहे हैं, अननेसेसरी होता है ना कई बार कि अपने इनकम को कम दिखाने के लिए और टैक्स कम पे करना पड़े, तो अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स निकल आते हैं, वो आता है आपका सेक्शन 69C। ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर एसएससी ने कोई एक्सपेंडिचर इनकर किया हो, एक्सपेंडिचर इनकर किया हो यानी खर्चा किया हो, किसी प्रकार का खर्चा किया हो और उससे एक्सप्लेनेशन मांगी गई हो, तो एक्सप्लेनेशन क्या होती है, या तो वो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता या अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देता है इन द ओपिनियन ऑफ एओ। ठीक है, तो एओ क्या करेगा, या तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता या अनसेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन देता है इन द ओपिनियन ऑफ द एओ, एओ के व्यू पॉइंट में। ठीक है, तो वो जो अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसको एसएससी एओ क्या करता है, उसको इनकम मान लेता है, किसका, एसएससी का। ठीक है, इन सच फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो वो क्या हो गई, वो डीम्ड इनकम हो गई एसएससी की, ठीक है, ऑफ द सच फाइनेंशियल ईयर। इनकम तो हो गई, प्लस क्या होगा, ये जो खर्चा है, ये जो एक्सपेंडिचर है जिसको डीम्ड इनकम मान ली गई है, इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलता, नॉट अलाउड एज डिडक्शन, कोई डिडक्शन, यानी जो हम एक्सपेंसेस को दिखा करके अपने इनकम को कम कर लेते हैं, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा किसी भी सोर्स ऑफ इनकम के अंदर में। ठीक है, किसी भी सोर्स ऑफ इनकम के अंदर में उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। जिन स्टूडेंट्स को डिडक्शन नहीं क्लियर हो रहा है, आप प्लीज़ मत घबराइएगा, आप जुड़े रहिएगा, आगे चैप्टर्स को जब हम सोर्सेज ऑफ इनकम को कवर करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली डिडक्शन यहाँ पे क्या मतलब है। ये चैप्टर 6 की डिडक्शन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे वो जो हम PNL बनाते हैं ना, कोई भी कंपनी है या कोई भी छोटा भी बिजनेस है या कोई छोटा दुकानदार है, वो क्या करता है, अपने खर्चे दिखाते चला जाता है, लगातार यहाँ पे अपने खर्चे दिखाते हैं, और उसने कितनी सेल की, उस सेल से उसको कितने पैसे आए, वो उसने यहाँ पे दिखा दी, तो यहाँ पे ये जो खर्चे दिखाए और ये जो सेल्स की, अब ये जो डिफरेंस फिगर है, या तो उसका नेट प्रॉफिट आता है या तो नेट लॉस आता है। ठीक है, जनरली क्या है, नेट लॉस दिखाते हैं, प्रॉफिट नहीं दिखाते, प्रॉफिट दिखाएंगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक, तो ये कैसे आता है नेट प्रॉफिट, जब हम खर्चा बहुत सारा दिखाते चले जाएंगे, खर्चा दिखाते चले जाएंगे तो हमारा ऑब्वियसली नेट लॉस आएगा, हमने अगर इनकम कम दिखाई और खर्चा ज़्यादा दिखाया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में बोला ये जो एक्सपेंस है उसका डिडक्शन नहीं अलाउड होगा, यानी ये एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे, अब जब हम ये एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे तो हमारी ऑलरेडी जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो चुका हो, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये इस डिडक्शन की बात की है कि नॉट अलाउड एज एन डिडक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लास्ट पॉइंट को अंडरस्टैंड करते हैं, जो कि 6th पॉइंट है। ठीक है, जो कि अमाउंट बोरो की बात की है, अमाउंट बोरो किया हो, ठीक है, या रीपेड एज हुंडी। अब प्लीज़ किसी को हुंडी की मीनिंग नहीं पता है तो वो जाके पढ़ लें, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ठीक है, सेक्शन, और अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है तो मैं हुंडी को भी सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, सेक्शन 69D। ठीक है, सेक्शन 69D, अगर किसी भी प्रकार का अमाउंट बोरो कर रहे हैं, ठीक है, ऑन हुंडी, ठीक है, या पेमेंट कर रहे हैं, कोई ड्यूज हैं, ठीक है, उसको रीपे कर दिया जा रहा है। ठीक है, कैसे रीपे किया जा रहा है, आइदर थ्रू द चेक, ठीक है, किसके थ्रू, अकाउंट पे चेक होना चाहिए, पहली बात तो अकाउंट पे चेक होना चाहिए,
अकाउंट पे ही चेक ड्रॉन ऑन बैंक, ठीक है, या तो जो अमाउंट बोरो किया है और रीपेड हुई हो, ठीक है, वो डीम इनकम मान ली जाती है ऑफ द एसएससी की इन द प्रीवियस ईयर इन विच अमाउंट इज बोरोड और रीपेड एज केस में भी, ठीक है, वो जिस भी ईयर में होगा उसको उस समय की, उस साल की, जिस ईयर में उसने बोरो किया है या रीपे किया है उस ईयर की इनकम मान ली जाती है, ठीक है। अब मैं क्लियर टर्म में इसको एक्सप्लेन करूंगी। एनी अमाउंट बोरोड ऑन हिंडी हैज बीन डीम्ड एज एन इनकम ऑफ एनी पर्सन एंड ही विल नॉट बी अगेन liable to assess in respect of such income or repayment of such amount. The amount repaid include the interest paid on amount borrowed. ठीक है, तो ये जो amount है, amount borrowed और repaid on hundi, hundi के केस में या तो borrow किया हो या repaid किया हो, ठीक है, any amount, ठीक है, अगर वो check के through है तो कोई बात नहीं, that means good. अगर वो चेक के थ्रू नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, अगर वो चेक के थ्रू है, लेकिन चेक कैसा होना चाहिए, अकाउंट पे ही चेक, ठीक है, अगर अदर देन अकाउंट पे ही चेक है, ठीक है, तो जो या तो अमाउंट जब बोरो की थी, जब बोरो की थी या जब रीपे कर रहे हैं, तब वो उसकी इनकम मान ली जाएगी, डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। फिर से मैं रिकॉल करा रही हूँ, उसमें अमाउंट बोरो किया या रीपे किया, किस पे, हुंडी पे, ठीक, उसमें अगर अकाउंट पे ही चेक के थ्रू बोरो हो रहा है या रीपे हो रहा है, ठीक, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा तो उसको क्या मान ली जाएगी, डीम्ड इनकम मान ली जाएगी, कब की, या तो जब बोरो किया तब की डीम इनकम, या रीपे किया तब उस वक्त की इनकम मान ली जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हों। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, और वहाँ पे ग्रुप भी है, आप वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि आजकल अवेलेबल हैं, सो डाउट्स नहीं रहने चाहिए, इट्स शुड बी क्लियर। एंड अगर आपको एक्सपर्टाइज नॉलेज चाहिए तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब थर्ड पार्ट है इसका, ठीक है, हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कवर्ड कर लिया। जब नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो उसमें प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर कैसे लेते हैं, यहाँ पे हमने बी पार्ट में हमने सारी अनडिस्क्लोज्ड इनकम को कंसिडर कर लिया कि अनडिस्क्लोज्ड इनकम कैसे कैलकुलेट हो रही है और उसमें हमने कैसे कैलकुलेशन करना है प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर के। थर्ड वीडियो हम लेके आ रहे हैं जो कि इसका कंटिन्यूड वीडियो होगा, और वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ऐसी सिचुएशन जब प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाती है, ठीक है। सो क्वालिटी नॉलेज गेन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आते रहें, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करना ना भूलें, नहीं पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको और क्या वैल्यू एडिशंस चाहिए, और इस चैनल को, इस वीडियोस को शेयर करें, और इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। सो हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।